नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं मृदुल शर्मा, आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। चुनाव कोई भी हो, यूपी की सियासी फिजा में मुद्दों की कमी नहीं रहती, चाहे वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हो या सियासी फायदा पहुंचाने वाले हो। पार्टियां सारी कोशिश करती हैं जनता से जुड़ने की, और इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्ष ने हमले अब तेज कर दिए हैं और कह दिया है कि सरकार को हटाने के लिए जनता तैयार है, तो सरकार में बैठी बीजेपी, सत्ता पर काबिज बीजेपी जवाब देने में पीछे नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं, हमने तो जो वादा किया है वो पूरा करेंगे। अब सवाल यह कि विधानसभा से पहले उपचुनाव में चुनौतियां सबके सामने हैं, इनसे निपटने के लिए कौन कैसी रणनीति बना रहा है, पूछेंगे सवाल। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ...2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, लेकिन इसकी तैयारी पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी है। उपचुनाव में ताल ठोक रही पार्टियां एक दूसरे पर हमले तो कर ही रही हैं, साथ ही 2022 में जीत का दम भी भर रही हैं। विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर चौतरफा हमला किया और बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य, कानून, उद्योग, रोजगारी समेत कई मुद्दों का जिक्र किया और सीएम योगी को निशाने पर लिया। सरकार को ये सोचना चाहिए कि पुश्तैनी घर मकानों पे अगर बुलडोजर चलेंगे तो देश में न जाने कितने ऐसे घर हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं, और सरकार अपना भी तो देखे कि अपना नक्शा पास कराया है सरकार ने कि नहीं कराया है। कोई मुझे ये बताए कि मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है कि नहीं है। समाजवादी पार्टी ने तो हमला किया ही, यूपी में जमीन मजबूत करने में जुटी कांग्रेस ने भी योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए और अखिलेश के आरोपों पर मुहर लगा दी। उत्तर प्रदेश पिछले 30 साल से बेहाल है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, जाति और धर्म के नाम पर सरकारें बनती नहीं, विकास के जो कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी उन उद्योग धंधों को एक एक करके बंद किया जाता रहा, जो स्कीमें उत्तर प्रदेश की लॉन्च हुई उनको अपना नाम देकर लोगों ने अपनी पीछे सतपाई। हर पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है क्योंकि यूपी में उपचुनाव की जंग भी चल रही है। इधर बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर रखा है। सीएम योगी जहां प्रचार में जुटे हुए हैं तो विपक्ष को हर बात का जवाब दिया और कहा हमने जो कहा वो करके दिखाया। विकास कैसे होता है ये बोलने की आवश्यकता नहीं, ये करके दिखाने की आवश्यकता है। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण निरंतर इसी कार्य के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं और आज वह स्पष्ट दिखाई देता है। उसके लिए भाइयों बहनों, हमें सपा बसपा कांग्रेस के उस संस्थागत भ्रष्टाचार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, जहां पर विकास का मतलब एक परिवार और एक जाति तक सीमित होकर के और रह जाता था। विधानसभा चुनाव की जंग तो 2022 में होनी है, लेकिन सियासी पार्टियां जानती हैं कि उनकी जमीन अभी से तैयार करनी है। अब चुनौती सबके सामने है। समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है तो कांग्रेस को दशकों का सूखा खत्म करना है और योगी सरकार को जनता पर विश्वास बरकरार रखना है। बहरहाल अब देखना तो यही है कि किसके दावे में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सैफ खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है कांग्रेस के, और रजिक वदूद राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल हरीश श्रीवास्तव जी आपसे, समाजवादी पार्टी ने कहा स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, उद्योग, कहां आपने स्थापित कर दिए उद्योग, कहां आपने स्वास्थ्य व्यवस्था को चरम पर, जो गलतियां सरकार ने की है कोरोना काल में उसकी भी जानकारी दी और कहा कि चौपट कर दी है पूरी व्यवस्था, चाहे वो कानून हो या फिर स्वास्थ्य हो।
देखिए अखिलेश जी के जो जो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इसका जवाब तो अभी इसी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता इनको दे देगी। अखिलेश जी पढ़े लिखे आदमी हैं, वैसे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की है, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता से बाहर होने का जो डिस्प्रेशन है उसमें न तो उनको विकास दिखाई पड़ रहा है, न तो उत्तर प्रदेश में जो योगी राज ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पूरी तरह उसकी कमर तोड़ी, अपराधियों की कमर तोड़ी, न वो दिखाई पड़ रहा है, न स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 21-22 मेडिकल कॉलेज जो नए बना रहे हैं न वो उनको दिखाई पड़ रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज बन रही है न वो दिखाई पड़ रहे हैं, डिफेंस उनका कहना है। श्रीवास्तव जी आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, सिर्फ आप दावे करते हैं, दावों में दम नहीं है उनके। उनको तो मैं अभी जनता सर्टिफिकेट देने वाली है कि अखिलेश जी आप झूठ बोलते हो। और रहा योगी सरकार को, तो योगी सरकार को अखिलेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता के सर्टिफिकेट की जरूरत है। वो अभी उपचुनाव में भी दे देगी और 22 सीधे मैं अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूँ, अनुराग भदौरिया के पास जा रहा हूँ, छोटा छोटा जवाब रखूंगा, सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा जनता क्या चाहती है ये भी जानना होगा। अनुराग भदौरिया जी, सर्टिफिकेट उपचुनाव में मिल जाएगा, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इतनी लंबी बातें कर रहे थे तो बस इतना बता दीजिए ना, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी बता रहे थे, नाम बता दीजिए, कौन सा आपने स्कूल कॉलेज बनाया बता दीजिए, आपने कौन से हॉस्पिटल बनाया बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए, क्या दिक्कत है कि हमने बहुत काम किया, बहुत क्या होता है, नाम बता दीजिए तो बताइए, बताइए श्रीवास्तव जी नाम बता सकते हैं कि हमने एक्सप्रेस बनाया, आज चर्चा नाम बताइए, आज चर्चा इस पर ही हो जाए, नहीं नाम बताइए ना श्रीवास्तव जी, आलाउद्दीनगर का ये नाम बताइए, आप पढ़े लिखे नाम बताइए, श्रीवास्तव जी नाम बताइए, हॉस्पिटल तो छोड़ो आप डिस्पेंसरी का नाम बता दो, नाम बताइए, अरे नाम बताइए ना, नाम बताइए, अरे नाम बताइए ना, छोड़िए ना, हमें नहीं मालूम है, आपने कहा अटल जी मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा ना, आपको इतना मालूम होना चाहिए, आपने एमबीए किया है, आप नाम पूछ रहे हैं कहाँ पे है, कई जिलों में कहाँ पे है, लखनऊ में, अरे कहाँ पे बताइए ना, अरे हम लखनऊ, अरे कहाँ है अटल बिहारी यूनिवर्सिटी, कहाँ है, लंदन में है क्या, मालूम है कहाँ है, जगह बताइए ना, उत्तर प्रदेश कहाँ बन रही है, अरे बताइए ना कहाँ है, हम तो पूछना चाह रहे हैं आपसे, व्यूअर भी देख रहे होंगे, जनता भी देख रही होगी, आप जगह बता दीजिए, अरे जगह बता दीजिए कहाँ है, जैसे जैसे हजरतगंज में अटल चौराहा बनाए जा रहे थे, वही जैसे हजरतगंज में हमने अटल चौराहा बनाया था जो आज तक नहीं बना, ये ऐसे ही अटल चौराहा बनाने जा रहे हैं, जैसे आपने हमारा स्टेडियम जो समाजवादी ने बनाया था उसका अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नाम रख दिया, यही करना है क्या, हमारी बनाई यूनिवर्सिटी में अपना नाम रख के कह रहे हो कि हमने बना दिया, भाई जो स्टेडियम हमने बनाया था, गए सुबह सुबह जब मैच होना शुरू होना था उसके पिता काटेंगे पहले ही उसका नाम बदल दिया, अटल स्टेडियम कर दिया, तो इसके मतलब क्या हुआ, आपने बना दिया, भदौरिया जी भाई आप एक्सप्रेस वे गए, भदौरिया जी पिता काट आए तो भदौरिया जी, जो हमने भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी सुनिए मेरी बात, बताइए ना भदौरिया जी, एक मिनट, वो क्या है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, वो हमारे साथ नेट से जुड़े हुए हैं स्काइपी से, तो आवाज थोड़ी सी कट रही है, बस मैं 30 सेकंड अगर वो बोल लें उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा, आपके सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है, हाँ ठीक, श्रीवास्तव जी हाँ बताइए, और कहाँ पे है, यही लखनऊ पे है अनुराग जी, और आपको नहीं दिखाई पड़ता, आपको नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि आप डिस्प्रेशन में, समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता सत्ता जाने के बाद इतने डिस्प्रेशन में हो गए ना, उनको दिखाई पड़ता, लखनऊ में तो है ऐसी जबरदस्ती, कितने एडमिशन हो गए उसमें, ऐसी बोल दे रहे हो आप, कितने एडमिशन हो गए, एडमिशन हो रहे इस साल उसमें, ठीक है, मैं चर्चा में एडमिशन हो रहा है, चर्चा में कांग्रेस को भी लेकर आना चाहता हूं, अनुराग भदौरिया जी, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने आपका भी समर्थन किया है, भदौरिया जी, भदौरिया जी, भदौरिया जी, आपने कहा बीजेपी ने कुछ नहीं किया, जैसे 4.5 लाख और कांग्रेस ने आपकी बात का समर्थन किया आज, अखिलेश यादव ने जो बातें रखी भदौरिया जी, अरे सुनिए मैं भदौरिया जी कांग्रेस को भी लेके आ रहा हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ, मैं कांग्रेस को भी ले आता हूँ डिबेट में, सुन लीजिए 4.5, अरे तो मेरी बात, अरे मेरा 1 सेकंड तो दीजिए मुझे, हाँ 30 सेकंड लीजिए आप, एक नहीं 30 लीजिए, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, हाँ अच्छा सुना, इन्होंने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गिनाया था, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, श्रीवास्तव जी बैठे हैं, इनके सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का कर दिया, तो कल कैमरा लेके चैलेंज करता हूँ, चलेंगे दिखाने कहाँ पे बाउंड्री बनी है, कहाँ पे फैक्ट्री, ये जो चैलेंज है ये दोनों जगह से हो रहा है, इनसे चैलेंज दे रहा हूँ, बिल्कुल ये जो चैलेंज आपने दिया है, ये जो चैलेंज आपने दिया भदौरिया जी, इसका जवाब मैं लूंगा, लेकिन मैं सैफ खान को भी डिबेट में लेने
लेके आना चाहता हूं, क्योंकि वो भी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सैफ खान साहब, क्या समर्थन करने से बात बन जाएगी? कांग्रेस का सूखा कैसे खत्म होगा? समाजवादी पार्टी का समर्थन करने से या अपनी जमीन तैयार करने से? देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमेशा से मजबूती से इलेक्शन लड़ती आई है। इलेक्शंस का जो भी रिजल्ट रहे वो जनता के हाथ में छोड़ दी। आज जो सवाल उठाया है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि एक यूनिवर्सिटी का नाम लेके या इंडिकेशन देके कि वो बनी है, उसमें भले एडमिशन हुए हो या नहीं हो, उसके बाद आपके फिगर्स नहीं आती। सच्चाई मैं अब आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की फेल सरकार इसलिए है क्योंकि क्राइम रेट आज देख लीजिए। क्राइम की अगर मैं एक एक विषय करके बात करूंगा, आज सबसे पहले अगर मैं क्राइम से शुरू करूं तो 45% क्राइम उत्तर प्रदेश में बढ़ा। 11 से 12 रेप एक दिन में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, 5 बच्चे एक दिन में किडनैप हो रहे हैं, 26% जो है साइबर क्राइम बढ़ चुके हैं, 12% जो है जो बुजुर्ग है हमारे उत्तर प्रदेश में उनके मर्डर बढ़ चुके हैं, और सरकार जो है अपने ऊपर थपथपाती है कि काम अच्छा करते हैं। ये तो मैंने क्राइम का हाल बताया आपको। अब मैं आ जाता हूं अनएम्प्लॉयमेंट पे। हमारे देश की बेरोजगारी तो एक अलग मुद्दा है ही, मगर यूपी की बेरोजगारी के ऊपर आई है। मैं बताता हूं आपको, 23.5% इस वक्त बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में। इन अप्रैल की ये रिपोर्ट आई है, वो भी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने जिम्मेदारी संभाली है तो 11.4% जो है बेरोजगारी हमारे उत्तर प्रदेश में बढ़ी है। और हेल्थ की ये बात कर रहे थे या एजुकेशन की बात करते हैं, अब हेल्थ पे आ जाते हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हमें BRD हॉस्पिटल नहीं भूलना चाहिए, जहां 30 बच्चे जो है 48 आवर्स में मर जाते हैं। इस पर मैं इसलिए रोक रहा हूं आपको क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि हमने 65% इसे रोक दिया, इंसेफेलाइटिस को, जापानी बुखार जिसे कहते हैं। मैं श्रीवास्तव जी से इस पर एक कमेंट चाहता हूं, फिर मैं वदूत साहब के पास जाऊंगा क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। हरीश जी, आप तो दावा करते हैं कि आपने कम कर दिया है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कहां किया, बताइए। दावा ही नहीं करते, पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि जो पानी एंसेफेलाइटिस है, एक्यूट एंसेफेलाइटिस है, उससे जो कैजुअलिटी रेट है वो बहुत कम करके नीचे आ गया है। और आप पूर्वांचल में एक्यूट एंसेफेलाइटिस से डेथ होने वालों की, बच्चों की जो कैजुअलिटी रेट है वो बहुत नीचे आ गया, मुश्किल से 10-20% रह गया होगा, 65% से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। श्रीवास्तव जी आपने दावा किया और कहा कि उत्तर प्रदेश जान रहा है, इसका सर्टिफिकेट आपको जनता दे देगी, लेकिन एक और दावा यहां पर यह होता है कि 12 मेडिकल कॉलेज से बढ़ाकर यहां पर आपने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी तैयार की, 2 एम्स तैयार किए और 15 नए मेडिकल कॉलेज तैयार किए। ये कहां पर तैयार किए, कहां तैयार हुए? ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के जिलों में हुए हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं और सबको वो जिले मालूम है। एटा में जो इटावा के बिल्कुल बगल में है, वहां भी मेडिकल कॉलेज योगी जी ने खोला है। हाँ, ये जो इनको अगर नहीं वो मालूम है तो मैं वो जिले भी गिना दूंगा, इनको बता दूंगा। मैं इस पर आ रहा हूँ। भदौरिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेट्रो बना दी, कमाल की बात करते हो, हम रोड बनाते हैं, आप जाके फीता काट के बोलते हो हमने रोड बना दी। हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, आप जाके फीता काट के बताते हो हमने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। हमने स्टेडियम बनाया, आप फीता काट के बता दे तो हमने स्टेडियम बनाया, अटल के नाम से रख दिया। हम चौराहे बनाते हैं, आप जाके वहां अटल जी की मूर्ति लगाने की बात करते हो कि हमने अटल चौराहा नाम कर दिया। अरे भैया, आपने मूर्ति तक भी नहीं लगा पाए अब तक, तो हजरतगंज में मूर्ति तक नहीं लगी अटल चौराहे की, जो हमने चौराहा बनाया है। आप तो मूर्ति नहीं लगा पा रहे हो अटल जी की, और कह रहे हो अटल चौराहा हो गया। अरे आप तो हवा में बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। मैं बिल्कुल, अब ये हवा हवाई बातें हैं या वाकई बातों में दम है? भदौरिया जी एक सेकंड, इसका राजनीतिक पहलू भी समझ लेते हैं कि जो दावे आपकी तरफ से किए जा रहे हैं या जो वादा निभाने की बात बीजेपी कह रही है और कांग्रेस का कहना है कि वो भी इस मैदान में है, तो इसका कितना फर्क आने वाले समय में पड़ेगा? मुद्दे यही होने वाले हैं और इस पर जनता सर्टिफिकेट देगी, मोहर लगाएगी। मैं वदूत साहब आपके पास आ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत मुद्दे रहते हैं, लेकिन यहां पर इन मुद्दों के पीछे जातिगत मुद्दे भी हावी हो जाते हैं। आपको लग रहा है इस बार, आज की अगर अखिलेश यादव की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे, 22 में बाइसिकल और मुद्दे जो हैं वो स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इसी पर उन्होंने हमला बोला।
देखिए मृदुल जी, ये वास्तविकता है कि देश में जो चुनाव होते हैं, खास उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो जनता के मुद्दों पे चुनाव नहीं होते, जनता से कनेक्ट ही नहीं होता। वो मुद्दे राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए जाते हैं, फेंके जाते हैं उनकी उनकी थाली में। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं, जो भदौरिया जी कह रहे हैं, बहुत काम किया और वो उस विकास के एजेंडे के साथ, वो कहते हैं कि विकास के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव जब हुआ और रिजल्ट आया तो रिजल्ट तो दूसरा था। तो इसका मतलब ये है कि विकास का मुद्दा तो कहीं ना कहीं गौण हो गया उस पूरी प्रक्रिया में चुनाव की। तो मुद्दे कहीं ना कहीं नए पैदा होते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जो राजनीतिक दल हैं वो जनता को फुटबॉल बना देती हैं। कहने को चुनाव जो है वो एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और जो कि जनता का सबसे बड़ा पर्व है और जिसमें राजनीतिक दल एक पार्टियां मात्र होती है, उसमें सही उसमें जो है अपना अपना रोल निभाती हैं। होता क्या है कि चुनाव जब घोषित होता है या होने वाला होता है, उससे 6 महीने 12 महीने पहले एकदम से राजनीतिक दल जागरूक हो जाते हैं, मुद्दे बनाने लगते हैं और चुनाव के टाइम पे, चुनाव से 10 दिन पहले 5 दिन पहले अलग अलग किस्म के राजनीतिक शगुफे छोड़ दिए जाते हैं और जनता उसमें उलझ जाती है और वो जाति धर्म या हिंदू मुस्लिम पे वोट करके आगे निकल क्यों, जाती क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं पार्टियों में जो इस तरीके की बातें करते हैं और चुनाव में फिर ध्रुवीकरण की बात भी कही जाती है। मैं वदूत साहब एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा अखिलेश सरकार में काम हुआ और नारा भी दिया गया काम बोलता है, लेकिन क्या उस दौरान जो अखिलेश यादव की रणनीति थी कांग्रेस के साथ जाने की, क्या वो उन पर भारी पड़ गई, इसलिए उनका काम भूलकर लोग कांग्रेस के साथ देखने लगे, इसलिए वोट नहीं मिल पाया था? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अखिलेश यादव तैयार है? देखिए, वो मुझे ये लगता है कि चाहे किसी के साथ जाते या ना जाते, मुद्दा ये था कि मुद्दा ही बदल गया। जो चुनाव हुआ उसमें एक अलग किस्म का वातावरण था और जो राजनीतिक बयानबाजियां दी जाती हैं या जो बड़बोलापन होता है चुनाव से एम से 2 दिन 4 दिन पहले वोटिंग से पहले जो नए मुद्दे उछाल दिए जाते हैं, जनता उसमें उलझ के रह जाती है, चाहे वो हिंदू मुसलमान की बात आए, चाहे जाति की बात आए, उसमें उलझ जाती है। असल में कारण क्या है, जो आपने कहा कि विकास क्यों मुद्दा नहीं बन पाता, आज बिहार में देखिए तो जो स्थिति है वहां लग रहा है कि विकास एक मुद्दा है, यहां मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता विकास का, क्योंकि जनता को अपने अधिकार नहीं पता, जनता अपनी अहमियत जानती नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है क्योंकि मैं इस पर इसलिए आ रहा हूँ, मैं इस पर इसलिए आना चाहता हूँ, इस बार जनता होशियार है, जनता समझ रही है, जनता हर बार होशियार रहती है उत्तर प्रदेश के अंदर में। बिल्कुल भदौरिया जी, जनता हर बार होशियार रहती है, लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, और डेवलपमेंट का मुद्दा होगा, रोजगार का भी मुद्दा होगा, कोरोना लोगों की मौतें हो रही है वो भी मुद्दा होगा, किसान भी मुद्दा होगा, महंगाई भी मुद्दा होगा, आप बेफिक्र रहिए, आप उत्तर प्रदेश, यही तो सवाल है, यही मुद्दे होने चाहिए और हम भी आज यही पूछ रहे हैं, सम्मान का होगा, बड़े बड़े नेता का होगा मुद्दा, किसान का होगा, किसान की परेशानी का होगा मुद्दा, कोरोना से परेशानी का होगा या नौकरियों का मुद्दा होगा, तब भारतीय जनता पार्टी को एहसास होगा कि इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो करती है खत्म होगा, इसका अंत हो रहा है धीरे धीरे, कि हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, अब जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी धोखे में है, योगी जी भी धोखे में है, योगी जी को लग रहा है कि भाई हम जाति धर्म की बात करेंगे तो शायद जनता हमें सुन लेगी, सुनेगी नहीं आपको, क्योंकि ये झूठे लोग हैं 100%। कहा जाता है कि जाति और धर्म के नाम पर चुनाव हो जाता है, आप तो सब दशकों से बाहर हैं, आपको भी लगता है कि हर पार्टी इसलिए यहां पर सरकार बनाती है, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, अखिलेश यादव की सरकार हो या अभी योगी सरकार हो, कोई एक सरकार तो होगी जो विकास के मुद्दे पर। देखिए सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजकल देश में जरूर यह देखने को मिलता है, सुनिए मैं बता रहा हूं आपको, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए तब भी हम जो है कम्युनल वंश से जो है हाइज रिकॉर्ड हो रही है, मैं नहीं कह रहा ये भी पार्लियामेंट में रिकॉर्ड होती है, अगस्त आज 2017 को कि 60 कम्युनल वॉलंटियर्स तो योगी जी के आने के बाद ही जो है रिकॉर्ड हो जाती है, देश ही नहीं प्यू रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए, पूरे देश में ऐसी जो है ये वॉलंटियर्स कम्युनल वॉलंटियर्स जो है बढ़ती हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आती है, क्योंकि इनका विषय, इनका मोटो ही यह रहता है, देखिए अंग्रेजों ने हमारे देश पे जो राज किया वो इसलिए किया क्योंकि सबको डिवाइड कर पाए, भारतीय जनता पार्टी अपने काम की वजह से तो उत्तर प्रदेश या केंद्र में तो आई नहीं,
भाई इन्होंने कोई अच्छे काम तो किए नहीं थे जो बोल के आते, इनके पास सिर्फ एक ही मोटो था कि हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आप अगर इनके ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी का अगर बयान सुने तो वो बताते हैं खोल के जो है साफ साफ कि हमने जो है स्ट्रैटेजी बनाई, हमने ये लोगों को डिवाइड करने के लिए पूरा जो है प्रोग्राम ऐसा डिसाइड किया, तभी जाके आए ये जो है आज उत्तर प्रदेश में भी क्राइम पे बोल के आए थे कि हम जो है क्राइम खत्म कर देंगे, आज क्राइम बढ़ता जा रहा है। इन्होंने हर चीज के लिए एक झूठे वादे, जैसे झूठे वादे 2014 में जो है किए गए थे एक अच्छे दिन दिखाने के लिए, है ना, पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई जाएंगी, बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस, यही मैं सवाल पूछूंगा खान साहब, यही मैं सवाल पूछूंगा एक एक करके। जो आज अखिलेश यादव ने सवाल पूछे उसका जवाब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मैं पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे, आज अखिलेश यादव ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए जो जनता से जुड़े हुए थे, लेकिन जवाब भी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर ही दिया गया। आपने कहा स्वास्थ्य विभाग ने काम नहीं किया, उन्होंने कहा हमने स्वास्थ्य में अच्छा काम किया। आपने कहा कि कानून व्यवस्था ठप है, उन्होंने कहा हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी, अराजकता खत्म कर दी, कार्रवाई की है। अब दोनों तरफ से दावे और वादे हैं, जनता किसकी बात पर विश्वास करे? देखिए जनता उसकी बात पे विश्वास करेगी जो सामने दिखाई पड़ेगा। हमने जो काम किया वो रोड पे दिखाई पड़ रहा है, जो हमने हॉस्पिटल्स बनाए चाहे रामनोलोया हॉस्पिटल हो, चाहे सैफई का पीजी हॉस्पिटल हो, चाहे वो बदायूं का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे आजमगढ़ का हो, चाहे वो डिफरेंट कितने हॉस्पिटल हमने बना के दिए, तो सामने है ना, वो दिखाई पड़ रहे हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था के तो आप देख ही रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया लगातार, चाहे हाथरस की घटना हो या बाराबंकी की हो या मेरठ की हो, बुलंदशहर की हो, चाहे जौनपुर आजमगढ़ हो, लखनऊ या लखीमपुर हो, या उन्नाव की घटना हो, जिस तरह से बच्चियों पर लगातार अत्याचार बढ़ा है, तो छुपा नहीं है ये सपोर्टर के नाम में गुंडे पाल रखते हैं। गुंडे कहां साफ दिखाई पड़ रहा है, बलिया की घटना में जिस तरह से विधायक का गुंडा, भारतीय जनता पार्टी गुंडे ने सरेआम एक व्यक्ति की हत्या कर दी, उसके बाद विधायक जी उसको बचाते घूम रहे थे, और उसी विधायक को यही भारतीय जनता पार्टी दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए नोटिस देती है, और फिर उसी पे प्रदेश अध्यक्ष फूल की बारिश करते हैं, आओ भैया लो फूल की बारिश। बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई सुरेंद्र जी, क्या काम कर रहे हो आप उत्तर प्रदेश के अंदर में, एकदम भौकाल बनाए हुए हैं, दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दे रहे, उसको बचा रहे हो फूल की बारिश और फूल की बारिश, ये हमारे तरफ से है। भदौरिया जी दावे कर रहे हैं, उन्होंने सड़कों के नाम बताया, यूनिवर्सिटी के नाम बताया, कह रहे हैं कि हम नहीं, आप कह रहे हो कि भदौरिया जी आपने दावे कर दिया, मैं उधर से भी पूछ लेता हूँ ना, क्योंकि क्योंकि देखिए हमारी कोशिश यही है दोनों की बातें सामने आनी चाहिए। और वो एक नाम नहीं पता क्या बताएंगे, मैं पूछता हूँ ना भदौरिया जी, आप भी सुनिए थोड़ी सी देर, बने रहिए मेरे साथ। वो क्या बताएंगे सुन तो लीजिए, कहेंगे हमने बहुत यूनिवर्सिटी बना दी है, बहुत रोड बना दी है, बहुत हम, अब सुन लेता हूँ, जवाब ले लेता हूँ भदौरिया जी, जवाब ले लेता हूँ मैं श्रीवास्तव जी। देखिए ना अनुराग भदौरिया जी को ना अखिलेश जी को, नहीं नहीं आप ये बताइए आपने क्या किया, आप ये बताइए आपने क्या किया, कानपुर में मेट्रो इनको नहीं दिखाई पड़ रही, काम चल रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे काम चल रहा है इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा है इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पूरा का पूरा करीब करीब तैयार हो गया इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इनको विकास के काम नहीं दिखाई पड़ रहे, बंद शुगर मिल्स चालू की योगी जी ने वो इनको दिखाई नहीं पड़ा, ये जो डिस्परेशन का जो इनका जो वो है वो इनको दिखाई नहीं पड़ता कि उसमें विकास के काम इनको दिखाई नहीं पड़ते, सारे माफिया राज का को पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया योगी जी ने। नहीं लेकिन उन्होंने एक बात और कही, अखिलेश यादव ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण है, नक्शा पास नहीं हुआ, ऐसे कितने मकान है, मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास हुआ था क्या, ऐसे सब कुछ तोड़ देंगे आप, उन्होंने आज आरोप लगाया। नहीं पहले वो बता दें कि सैफई में जो उन्होंने बनाया अपना कोठी उसका नक्शा पास कराया, तो इनका इनको केवल सैफई दिखाई पड़ता है, वो अपने मकानों को पहले नक्शा पेश करें। मैं भदौरिया जी से कमेंट लेता हूं उसके बाद सैफ खान के पास, गांव में लोग अपनी अपना मड़िया डाल लेते हैं सो जाते हैं, अपना छप्पर डालते हैं नीचे खाद डाल के सो जाते हैं, वहाँ पे कहाँ एलडीए है भैया, वहाँ कहाँ डेवलपमेंट अथॉरिटी है गांव में जो जाए नक्शा पास कराने, गांव का आदमी कहाँ जाएगा नक्शा पास कराने, वहाँ तो अपने अपना छप्पर डाला सो गए, क्या उसका नक्शा पास होगा, कल आओगे कहोगे इसको तोड़ दो छप्पर, ये अगर ये स्थिति है पास नहीं है ऐसा नहीं है, ऐसा की मानसिकता हो गई है बिल्कुल भदौरिया जी। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो जनता को जान लेनी चाहिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अवैध निर्माण करते हैं लेकिन सब पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए गए। सैफ खान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, सरकार कहती है कि हमने तो कानून व्यवस्था यहां पर अच्छी की है, पूर्व की सरकारों में नहीं थी, पूर्व की सरकारों में नौकरी बेचने का काम किया जाता था, हमने देने का काम किया है,
ये दावे और वादे देखिए, मुझे बड़ी आश्चर्य और हैरान की यही तो होती है आपके चैनल पे बैठ के आज ये एक्सेप्ट कर लें कि फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो झूठ लगा है। मैं देख कहता हूँ अब तक 3.5 साल में योगी जी ने 4 लाख रुपए दिया थी, आप पूरे 5 साल में है ना, हर 16 मिनट में एक रेप होता है, 91 रेप एक दिन में होते हैं और उत्तर प्रदेश में 24% क्राइम तो महिलाओं के खिलाफ बढ़ चुका है। ये झूठ बोल दीजिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो झूठ बोल रहा है, फिर आज सवाल ही उठता ही। अभी अपने काम के गिनवाए थे, मैं इनका घोषणा पत्र में बता देता हूं, 142 करोड़ आपने जो अपने स्कॉलरशिप के लिए निकाले थे 10वीं क्लास के लिए दे दिए, आपने 50 करोड़ निकाला था बजट जो है 2017 में फ्री वाईफाई देंगे डिग्री कॉलेजेस को दे दिए, 300 करोड़ रुपए निकाले थे आपने स्वेटर और मोजों के लिए क्या दे दिए, आपने फ्री वाईफाई आपने स्टेट को भी वादा किया था कि आप जो है वो करेंगे गर्ल्स को फ्री एजुकेशन देंगे क्या दे दी। सच्चाई वाली बात यह, ये सिर्फ घोषणा करने वाली और झूठी पार्टी है, सब झूठ बोल के ही तो आए थे। मैं बोल तो रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सिवाय झूठ। मैं इस पर एक सवाल करना चाहता हूँ, देखिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, एजुकेशन में फ्री यूनिफॉर्म देने के वादे और दावे किए गए लेकिन मंत्री बदल गए। सैफ खान साहब आपका ही सवाल है, मैं उसे आगे बढ़ा रहा हूँ। यूनिफॉर्म में ठंड बीत जाती है, जूते नहीं मिलते, यूनिफॉर्म नहीं मिलती, स्वेटर नहीं मिलते। श्रीवास्तव जी, एक साल ये परेशानी आई थी क्योंकि उसकी जो बेटी काल करने में देर हुई थी, लेकिन उसके बाद बच्चों को यूनिफॉर्म मिल रहे हैं, जूते मिल रहे हैं, मोजे भी मिल रहे हैं और बच्चियों को फ्री एजुकेशन भी मिल रहा है। सैफ अली खान जो है कंकाक्टेड और फर्जी आकर पेश करते हैं। आप कानून व्यवस्था को ले लीजिए तो 17 के बाद से लगातार हत्या हो, लूट हो, अपहरण हो, ये बता दीजिए कितनी बच्चियों को आपने जो है फ्री एजुकेशन दे दी है और कितने आपने जो है स्वेटर्स और मोजे बांट दिए हैं, ये भी बता दीजिए। आप इतना बता रहे हैं तो केवल ये भी साथ में एड ऑन कर दीजिए कि आपने इतने जो है स्वेटर्स बांट दिए हैं और इतनी बेटी अभी ठंड वापस आने वाली है और लगभग आ गई है, ये आंकड़े अभी और साफ हो जाएंगे कि इस साल किस तरीके से सरकार इस पर काम कर रही है। मैं रजिक वदूद साहब का एक छोटा कमेंट चाहता हूं, फिर इसके बाद अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। वदूद साहब, ये दावे और वादे किए जा रहे हैं, अब जनता के सामने चुनौती होती है कि किसका वादा सही है, किसका दावा सही है, इसे कैसे माना जाए। दोनों तरफ से कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो कह रहे हैं हमने सब कुछ कर दिया। देखिए, सब लोग सिर्फ मीडिया और एक खबर में रहने के खबर बनाने के लिए नई नई बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और सबके घोषणा पत्र बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं, सबके घोषणा पत्र, चाहे सपा बसपा कांग्रेस किसी भी राजनीतिक दल को ले ली, सब प्रतिज्ञाएं करते हैं लेकिन जनता के बीच जब भाषण देते हैं और ना आम जनता के बीच अपना घोषणा पत्र बांटते हैं। क्या 12 करोड़ या 10 करोड़ या 2 करोड़ छपाई करते हैं ये घोषणा पत्रों की? किसी ने नहीं की होगी घोषणा पत्रों की छपाई, केवल खबरें बनाते हैं, लुभावने वादे करते हैं, उसमें से कोई एक क्लिक करते हैं उसके ऊपर और जब चुनाव का समय आता है तो वो मुद्दे पीछे खिसक जाते हैं और उसमें जाति और धर्म को लेकर के आ जाते हैं। तो ये तो एक मूर्ख बनाने वाली बातें, ना किसी ने घोषणा पत्र कभी, जब तक कानूनी बाध्यता ना आए कि घोषणा पत्र आप जो दे रहे हो वो एक डिस्क्लोज ऑफ मेटेरियल फैक्ट है, अगर उसका वायलेशन करोगे भाई तो फिर तुम्हारे जो है पॉलिटिकल जो रजिस्ट्रेशन हुआ है पार्टी का उसमें आँच आ जाएगी। तो भाई साहब ये हर कोई उसको कंप्लाइंस करेगा, कोई कंप्लाइंस नहीं करता, सब बेवकूफ बनाने वाली बातें। किसी भी राजनीतिक दल ने कभी भी अपने घोषणा पत्र को निभाया नहीं है, उसके किए गए वादों को सिर्फ एक किताब की रद्दी में रख के भूल जाते हैं। मैं अब निवेश पर आना चाहूंगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि हर एक मुद्दे पर आज मैं सवाल पूछूं। हमने बोला था एक्सप्रेसवे बनाएंगे, हमने बनाया, हमने बोला था लैपटॉप देंगे बच्चों को, हमने दिया, हमने बोला था बेरोजगारी भत्ता, मैं चाहता हूं अनुराग भदौरिया जी और श्रीवास्तव जी, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बने भारतीय जनता पार्टी को पढ़ना पड़ता है करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है ज्यादा श्रम जो किसानों से जो है 50% मूल्य समर्थन। एक मिनट, आप दोनों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सैफ खान जी और अनुराग भदौरिया जी, चुनावी घोषणा। मैं एक चीज मैं पहले चाहता हूं भदौरिया जी, देखिए उद्योग पर बात करता हूं, मैं देखिए हर एक मुद्दे पर एक एक करके बात कर रहा हूं। अब मैं उद्योग पर बात करता हूं। अखिलेश यादव पूछ रहे 4 लाख करोड़ का निवेश कहां गया, क्या किया?
भदौरिया जी पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं? वो नहीं बता पाएंगे, हाँ। नहीं बता पाएंगे 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट कहाँ है, मैं पूछ रहा हूँ तो कहाँ है भारतीय जनता पार्टी, बताए भारतीय जनता पार्टी लेके चले कैमरा, हम भी चलते हैं आपके साथ, कहाँ इन्होंने 4.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की जो जनता को फर्जी वादे किए थे दिखा। अब मैं 30 सेकंड श्रीवास्तव जी को देता हूँ, फिर मैं भदौरिया जी आपके पास वापस आ रहा हूँ, भदौरिया जी वापस आ रहा हूँ और सैफ खान साहब 30 सेकंड दे रहा हूँ श्रीवास्तव जी को, वो बताएंगे हमें कितना निवेश हुआ, कौन सी कंपनी आई। भदौरिया जी हाँ बताइए श्रीवास्तव जी। मैं अनुराग जी की चुनौती को स्वीकार करता हूँ, ये चले हम डिफेंस कारीगर भी दिखाएंगे, बुंदेलखंड हो या अलीगढ़ हो, और इनको उन उद्योगों को भी दिखाएंगे जो इन्वेस्टमेंट हमने ब्रेकिंग सेरेमनी में और इन्वेस्टमेंट समिट में 4,20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव लिए थे, उसमें से जो 2 लाख करोड़ के आसपास से प्रस्ताव धरातल पे उतरे हैं वो भी इनको दिखाएंगे। और इन्होंने अखबार नहीं पढ़ा होगा, आज ही जो कोरिया की कंपनी है बिजली से बिजली की इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, उसने आज ही प्रस्ताव दिया। लेकिन हरीश श्रीवास्तव जी, बिजली पर जो दावा आप करते हैं सुनिए मेरी बात श्रीवास्तव जी, बिजली पर जो दावा करते हैं लोग, बिजली से बड़े बड़े शहरों में परेशान है, लखनऊ में बात कर लीजिए आप, नोएडा ले लीजिए, यहाँ पर भी लोग परेशान है। बिजली की जहां तक बात है, बिजली में अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो जल विद्युत की स्थिति नंबर 2 है, उत्पादन में तापीय में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 3 पे है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश अब तक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में आ रहा था, अब नंबर 1 पे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आ रहा है। एप्पल कंपनी जो 7,000 चाइना में अपनी यूनिट लगाई थी वो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में उसने प्रस्ताव दिया है, और डाटा सेंटर पार्क बनाने के लिए 7,000 करोड़ सैफ खान साहब का प्रस्ताव है। वो सैफ खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके दावों पर सैफ खान करवाया है को कहिए दिखाई नहीं पड़ा। देखिए मैं ये इन्वेस्टमेंट की जो बात करें मैं बताता हूँ सुनिए हरी जी, एक एक करके देखिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी वो बीच में नहीं बोले सर। हाँ एक एक करके आप बताइए, लगे भी कि कुछ महत्वपूर्ण बात हो रही है, एक एक करके बोलूंगा मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो ये निवेश करने वाले भी हैं मृदुल जी, ये भी वो चाइनीज कंपनी है जो सरकार बैठ के चाइना के खिलाफ बोलती है ना, वो निवेश बताता हूँ। अभी ही इनके सतीश, इनके जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज है, जुलाई 2020 में ही बताते हैं कि चाइनीज कंपनियों ने निवेश किया है। कौन सी कंपनियों ने? ओप्पो ने, वीवो ने, सन वोडा ने, हॉलटेक ने, हायर ने, ये सब वो कंपनियां हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट निवेश किया है और सब चाइनीज हैं। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने, जिसको 25% जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडी दी है जमीन पे। ये बिल्कुल मैं मानूंगा कि ये वो चाइनीज कंपनियां हैं जिन्होंने निवेश किया उत्तर प्रदेश में, और बाकी के मजे जो ये अलग अलग कंट्रीज, इन्हें कहीं और से इन्वेस्टमेंट तो मिला नहीं, मिला सिर्फ चाइनीज कंपनियों का इन्वेस्टमेंट। वही चाइनीज कंपनियां या वही चाइना जो इस वक्त हमारे बॉर्डर में अंदर इन्वेड कर रहा है, वही चाइनीज जो इस वक्त हमारे देश के जवानों को जो है शहीद कर रहा है, उनसे लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल माननी चाहिए आपकी ये बात। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वदूद साहब को इस चर्चा में इसलिए लाना चाहता हूँ। वदूद साहब, गवर्नमेंट क्या, सैफ खान साहब देखिए आपने आंकड़े बताए, अब मैं उन आंकड़ों की बात करता हूं जब सरकार को 2 साल 2.5 साल 3 साल पूरे हो जाते हैं, सरकार अपने एक आंकड़े पेश करती है। आपने देखा होगा वदूद साहब, आंकड़े ऐसे बताए जाते हैं कि हमने बहुत सारा निवेश किया, हर सरकार करती है सर ये। अब जमीन पर कितना काम पहुंचता है वो तो बेहतर जनता ही जानती है, लेकिन क्या वाकई में जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने इतना निवेश किया, हमने कंपनियों को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए भरोसा जो दिया था उस पर हम खरे उतरे, ऐसी स्थिति है? देखिए, इन्वेस्टर समिट हुई थी और बड़ा शोर मचा था कि योगी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, यूपी समिट शुरू हुई और बड़ा शोर मचा था कि हम इतने करोड़ का प्रोजेक्ट आ रहे हैं और ये आ रहा है वो आ रहा है, और इंटरनेशनल बहुत सी कंपनियाँ आई थी, बहुत से कई कंट्रीज के जो है 7-8 कंट्रीज के पवेलियन भी यहाँ लखनऊ में लगे थे, लेकिन वो सिर्फ MOU थे, प्रस्ताव थे। MOU हो गया, MOU के बाद धरातल पे काम हुआ नहीं हुआ,
ये इसका सीधा सा जो पैरामीटर है वो आप रोजगार की स्थिति से आकलन कर सकते हैं। जो रोजगार की स्थिति है वो तो खराब है ही, कोई नए रोजगार तो पैदा हुए नहीं, बेरोजगारी है। तो जो बेरोजगारी है और बेरोजगारी का मुद्दा उसी इन्वेस्टमेंट से, जब इन्वेस्टमेंट अगर धरातल पर उतरा होता तो बेरोजगारी दूर हो जाती। अच्छा, अब सरकार क्या करती है, एमओयू को इस तरह से प्रोजेक्ट कर देती है, और यही नहीं है, सारी पार्टियां इस तरह से सही सरकारें प्रोजेक्ट करती हैं, जैसे एमओयू ना हो गया, वो एक एग्रीमेंट हो गया, फाइनल एग्रीमेंट, और इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब होता क्या है, इन्होंने एक प्रपोजल दिया, सरकार ने पसंद कर लिया, उसका सरकारी बैंकों से ही वही कंपनियां लोन लेंगी और लोन लेने के बाद काम शुरू कर देंगी। तो अब ये देखिए, सरकार जो है स्वयं लोन भी दे रही है और उन जो है उन प्रोजेक्ट्स को शुरू करवा रही है। तो सरकार स्वयं अपनी कंपनियों को क्यों नहीं स्ट्रेंथन करती, क्यों उत्तर प्रदेश सरकार की जो कंपनियां हैं, मैं जवाब ले लेता हूं। मधुत साहब, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेता हूं, श्रीवास्तव जी कहिए। देखिए, जो उद्योगों का डेवलपमेंट है, कोई भी बंधुता हो या आप हो, सभी जानते हैं कि जब कोई प्रस्ताव आता है, जब वो निवेश का अपना कार्य प्रारंभ भी करते हैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद, तो भी उसको कम अप होने में, प्रोडक्शन की स्थिति में आने में कम से कम, बहुत फास्ट अगर काम होता है तो 3 से 4 साल तक लग जाते हैं। लगभग 2 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव थे जिनपे कंपनियां काम शुरू कर दी, जिनको जमीन मिल गई, जिन्होंने अपने भूमि पूजन करके उस पर आगे काम शुरू कर दिया, तो उसको प्रोडक्शन में आने में थोड़ा समय लगेगा, तब रोजगार सारे जनरेट होंगे, जो रोजगार की बात बदू साहब कर रहे। और जहां तक इस लॉकडाउन के बाद, अनलॉक के बाद, जिस तरह से तेजी के साथ एमएसएमई की लगभग 80% इकाइयां वो फुल प्रोजेक्ट चलने लगी हैं, इसको आप कम मानते हैं? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, कुशीनगर एयरपोर्ट बन रहा है, जो रफ्तार तो इसकी स्लो हो जाती है ना सर श्रीवास्तव जी, इसकी रफ्तार स्लो रहती है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो परियोजनाएं हैं वो सब काम कर रही, चाहे वो कानपुर मेट्रो हो, आगरा मेट्रो हो, ये बड़े बड़े एयरपोर्ट कुशीनगर के और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बन रहा है, तो ये सब बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गंगा एक्सप्रेस में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, और जो डिफेंस कॉरिडोर की वेबलेस कार्ड आ रही है, बहुत सारे जो प्रस्ताव आए हैं वो धरातल पे काम करना शुरू कर दिए हैं। अब इन औद्योगिक विकास जो है वो एक समय लेता है। अगर आप एक मेडिकल कॉलेज स्थापना कर रहे हैं, योगी जी ने 21 मेडिकल कॉलेज बनाना शुरू किए, तो 4-5 साल लगेंगे जब वो अपने उस पे आएंगे। मैं सैफ खान साहब से एक सवाल चाहता हूं। सर, आपने कहा कि वक्त लगता है, सैफ खान साहब, उन्हें 5 साल के लिए, 5 साल के लिए बहुमत दिया है जनता ने, आपको लगता है कि 5 साल बाद ही जब सवाल पूछे जाएंगे तब सरकार जवाब देगी? अभी तो सरकार का कहना है सारे काम पाइपलाइन में है, 5 साल बाद दिख जाएगा आपको क्या किया क्या नहीं किया। नहीं, अभी भी दिखे, हाँ अभी तो दिख ही रहे हैं, 5 साल बाद और दिख जाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि बन रहा है, बन रहे हैं, कंपनी आ रही है, इसलिए मैंने पूछा। और इनको देखिए, ये सिर्फ एक ना सपना दिखाने वाली पार्टी है, सच्चाई वाली बात ये है, ये ग्राउंड स्तर पे जो होता है उससे बिल्कुल अलग है, गवर्नमेंट के सरकारी आंकड़े के आते हैं उससे भी बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्पेशलिटी है वो है झूठ बोलने की, साफ साफ झूठ बोलने वाले लोग हैं कि अभी पाइपलाइन में है, आएगा, बुलेट ट्रेन भी जैसे आ गई, जैसे स्मार्ट सिटी आ गई, जैसे अच्छे दिन आ गए, ये वैसे ही पाइपलाइन में सब चीजें चलती रहेंगी। सच्चाई वाली बात ये कि उत्तर प्रदेश में क्या बढ़ा, बिजली के दर जरूर बढ़े, 4.5 रुपए की यूनिट जो है वो 6.5 से 7 रुपए की कर दी गई। सच्चाई ये है कि क्राइम जरूर बढ़े जो है, सच्चाई ये है कि भूखमरी जरूर बढ़ी, सच्चाई ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट जरूर बढ़ा, सच्चाई ये है कि हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज जरूर की गई, टेररिज्म के केसेस बढ़ते गए, सच्चाई ये है कि हेल्थ सेक्टर जो है वो लगातार डिग्रेड होता गया, सच्चाई ये है कि एजुकेशन पे आप जो है सबसे पहले तो आप टैक्स लगाते हैं और 4% सेस भी लगा देते हैं तो उसे और महंगा कर दिया गया। तो सच्चाई वाली बात यही है कि आज सिर्फ झूठ बोलने वाली राजनीति करने वाले या झूठ जो सामने बोलते हैं सामने, और वो भी सीधा ठोक के बोलते हैं, साहब बड़ी हैरानगी होती है, पाइपलाइन में होगा तो होगा तो हम तब से ही देख रहे हैं।
स्मार्ट सिटीज भी देख रहे हैं आपकी जो है, अच्छे दिन भी जो है, लेकिन हाथ दिखाने वाली है। लेकिन सैफ खान साहब, सैफ खान साहब, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम अपने काम, ये सच्चाई है, हम अपना पुराना काम लेकर जनता के बीच जाएंगे। बीजेपी कहती है हम जो कर रहे हैं वो जनता के बीच लेके जाएंगे। कांग्रेस के सामने चुनौती है, कांग्रेस क्या लेके जाएगी? अखिलेश यादव का समर्थन करना, बीजेपी की बुराई करना, इससे तो फिर यही होगा ना सर। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस कौन से मुद्दे लेकर जाने वाली है? सबको निशाने पर लेंगे? नेशनल कांग्रेस, आप अभी अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख, सुन लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है कि एक लंबा अरसा हो गया हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, मगर आप अगर केंद्र का एग्जाम्पल लेंगे तो आप हाईएस्ट नंबर ऑफ जीडीपी का आप आज देख लीजिए ना, क्या परसेंट है जीडीपी? -23.9% है जीडीपी। हमारे टाइम पे क्या हुआ कि 10.8% तक गई है। आज तक भी भारतीय जनता पार्टी इसे अचीव नहीं कर पाई है। बेरोजगारी का आंकड़ा 3.6% था, आज जो 23.5% हो चुका है। तो हम अगर ग्राउंड स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जितने भी एयरपोर्ट से लेके, आप जितने भी, आप जितनी रोड्स की बात करेंगे, जितने फ्लाईओवर हाईवेज की बात करेंगे, सब हमारे टेन्योर में उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सच्चाई वाली बात है, अगर काम किया है तो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का भी एक काम जरूर किया है, एक छोटा कमेंट वो ये किया है, नाम चेंज करने का जो अभी चैनल पे जिक्र चल रहा था आपके, राजीव बदूत साहब के योजनाओं के। वदूत साहब एक मिनट, सैफ खान साहब, वदूत साहब आपके पास आऊं, श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं। आपको बाहर किया क्योंकि आपने केवल कागजों पर काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उन परियोजनाओं के धरातल पर उतारा है, इसलिए कागज बोलते हैं। अगर डेवलपमेंट, बिजली के दर आपने बढ़ाए, सुनिए, बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, हाँ या ना में जवाब दीजिए पहले। दोनों को रोकना चाहूंगा। ये देखिए, ये तो होता रहता है, ये तो सवाल और जवाब एक दूसरे से मांगे जाते हैं। वदूत साहब, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, इसमें अभी एक पार्टी का जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि चुनावों में जातिगत समीकरण बन जाते हैं, छोटी छोटी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे छोटे दल हैं जो किसी ना किसी एक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। तो आपको लगता है कि जाति का मुद्दा ज्यादा हावी हो जाता है, इसलिए फिर अलग तरीके का रिजल्ट हमारे सामने होता है? नहीं, सही बात है मृदुल जी। देखिए, शुरुआत सब अच्छी करते हैं, विकास की बात करेंगे, एजेंडा भी उस तरह का, डिक्लेरेशन भी वही देंगे विकास के, लेकिन जो चुनाव है वो आखिर में जाकर के 4-5 रोज पहले 6 रोज पहले इस तरह के बयान आने शुरू हो जाते हैं। कोई घटना हो जाती है, कहीं किसी की पिटाई हो जाएगी, कहीं कोई कोई जला दिया जाएगा, कहीं कोई धार्मिक स्थल, कहीं कुछ घटना, और वो चुनाव का जो है मामला या तो धर्म पे चला जाएगा या फिर जाति पे चला जाएगा। वो डिपेंड करेगा कौन पार्टी किस स्तर से अपने आप को पेश कर रही, कितनी एग्रेसिव है चुनाव में अपने उस एजेंडा सेट करने को लेके। बिल्कुल, अपने एजेंडे के साथ सभी मैदान में उतरेंगे, लेकिन अभी मैदान सिर्फ तैयार हुआ है, जो जंग है उसमें वक्त जरूर है, लेकिन वक्त का फायदा सभी पार्टियां लेने वाली है। हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।